असलम नाजरीन, आप देख रहे हैं सज्जाद प्लस और मैं हूँ आपका अपना सज्जाद अहमद। आज यहाँ रावल पिंडी आर्ट काउंसिल में सिटकॉम जनाब अमराय टेलीविजन के लिए और यहाँ पे आज आए हैं कहना कहनी है और सारे आर्टिस्टों का तारुफ भी आपसे करूँगा और डायरेक्टर जो हैं डायरेक्टर भी हैं यहाँ पे और मॉडल्स भी आई हुई हैं जो काम कर रही हैं। सिटकॉम ये टेलीविजन के लिए बन रहा है। हमारे बहुत प्यारे दोस्त भाई ए रहीम खान जो है उसको तरतीब दे रहे हैं, यानी कि प्रोडक्शन कर रहे हैं। बहुत अच्छे का सोचा हुआ था उन्होंने कि प्रोडक्शन करें, सो गोया टाइम आ गया है प्रोडक्शन होने का। देखते रहिए सज्जाद जी। नाज़रीन के जैसे आपने देखा कि हमारे जैसे छोटे छोटे फनकार जो हैं वो सज्जाद प्लस टीम पे आए, उन्होंने बताया कि आज के सवाले से हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। लेकिन आज मेरे साथ जो फनकार हैं उनके यकीन दीजिएगा कि मेरे पास अल्फाज नहीं हैं, लेकिन ये भी कहना अच्छी बात नहीं होती कि मेरे पास अल्फाज नहीं है। ये अकेडमी का दर्जा रखते हैं हमारे लिए। जुकर मैन हैदर साहब हमारे साथ हैं और मैं कहता हूँ मेरी खुशनसीबी है कि सज्जाद प्लस टीवी पे आज ये भी हमारे साथ है, क्योंकि ये हमारे बड़े हैं और बड़ों का जो अदब करता है कहते हैं फल भी वही पाता है। तो मैं इनके लिए एक छोटा सा शेर आपके लिए ज़रूर कहूँगा कि कला होवे तो सोचा देखो ले गुंजर, कला होवे तो सोचा देखो ले गुंजर, महफल होवे तो बाको बहार बनता, झूठ सच का मालका होवे जिथे उत्थे चमकती तेग की तलवार बनता, मेरे हुसन का नाँ नहीं फन नादिश, मेरे हुसन का नाँ नहीं फन नादिश, रत जिगर की लाए शाहकार बनता, दान दही लख जगरात्या ना ता जाके किधरे फनकार बनता। तो वो आपके लिए मेरे लिए नहीं कहा गया, ये आपके लिए कहा गया। बड़ी मोहब्बतें हैं। सबसे पहले मैं अपने सुनने वालों को ज़ुल्कनैन हैदर की तरफ से अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ और फिर आपसे गुजारिश ये करता हूँ कि इस वक्त हम रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल में बैठे हुए हैं और एक आने वाला सिटकॉम है जिसकी हम कुछ थोड़ी सी डायरेक्टर साहब जो हैं हमारे वो हमें उसके बारे में कुछ करेक्टर्स के बारे में बता रहे थे, कुछ सिटकॉम की जो स्टोरी है उसके बारे में बता रहे थे और जो बाकी आर्टिस्ट हैं उनसे बैठ के गुफ्तगू हो रही थी। तो एक पहली हमारी ये सिटिंग है, इंशाल्लाह दो दिन में मेरे ख्याल में हम सेट हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये हमारे साथ काम भी कर रहे हैं और इन्होंने हुक्म दिया तो मैं हाजिर हो गया। इस बार मैं जो मोहब्बत है आप लोगों से मुखातिब भी हो गया और आपसे बातचीत भी हो गई तो मुझे बड़ी खुशी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज मैं उसी तरह हूँ जिस तरह पहले दिन था। तो क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह सारी ज़िंदगी गुजर गई इसी काम में, मगर इसको इसीलिए समंदर कहते हैं। तो हर वक्त आदमी नया ही होता है। अब आपको कीजिए जो आप सवाल कर रहे हैं। हाँ जी, मैं एक छोटा सा सवाल जरूर करूँगा जी। ये जो यंगस्टर आ रहे हैं उनको कोई मैसेज छोटा सा देते हैं, क्योंकि आजकल यंगस्टर वो क्या कहते हैं नया नया जब परिंदा भी उड़ना शुरू करता है तो बड़े पर मारता है। तो मैं कहता हूँ उनके लिए कोई छोटा सा मैसेज कि आना है इस फील्ड में, कोई मना नहीं है, हर इंसान आ सकता है, लेकिन उनके लिए मैसेज कि किस तरीके से आना चाहिए। आजकल के जो शागिर्द हैं वो यकीन कीजिएगा तो उस्तादों का भी नहीं करते, हालाँकि मैंने खुद यकीन करे इस फील्ड में डंडे खाए इन चारों, लेकिन आजकल के शागिर्द ये बात समझते हैं। असल में आज के जो हमारे बच्चे हैं हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, कुछ अल्फाज उर्दू के हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं तो उसमें वो एक साथ होता है। मिसाल के तौर पर तालीम और तरबियत, जिस तरीके से हम कहते हैं मशहूर और मकबूल, लेकिन मशहूर के मायने अलग हैं और मकबूल के मायने अलग हैं। इसी तरह तालीम अलग चीज़ होती है और तरबियत अलग चीज़ होती है। तो हमारे आज के बच्चे जो हैं माजरत के साथ उनमें एजुकेशन बहुत अच्छी हो गई हुई है माशाल्लाह से। इस वक्त बहुत कम बच्चे हैं, मतलब मैथ कम्युनिकेशन से कम बच्चे बच्चियां मैंने नहीं देखे शोबिस के अंदर हमारे वक्त में, या हमारी इतनी एजुकेशन नहीं थी। मैंने मसलन सिंपल बी कॉम किया था, कॉमर्स का कोई ताल्लुक नहीं है आर्ट से, आर्ट एक डिफरेंट चीज़ है और कॉमर्स बैंकिंग साइड।
मगर चूँकि शुरू से शौक था लिहाजा मैं शुरू से ही मैं इसमें आया। तो आज के बच्चों में तालीम है लेकिन उनकी तरबियत नहीं उस तरह हो पा रही जिस तरह होनी चाहिए। तो तरबियत बहुत ज़रूरी है। तरबियत का मतलब ट्रेनिंग। ट्रेनिंग का मतलब ये है कि आज का हमारा बच्चा बच्चे जब घर से ही निकलते हैं तो वो सोच चुके होते हैं कि जी बड़े बड़े मैं किसी फनकार का नाम नहीं लेता लेकिन वो घर से ही सोच सकते हैं कि वो कौन है और वो क्या बेचती है और वो क्या बेचता है। लेकिन वो जिस मकाम तक आज पहुँचे हुए हैं उनको उनके पीछे एक बहुत बड़ी स्ट्रगल है जी, एक बहुत बड़ी मेहनत है। कहते हैं ना कि एक सदी का नाम है। यस, तो कहने का मेरा मकसद ये है कि तरबियत हासिल कीजिए, अपने सीनियर्स का एहतराम ज़रूर कीजिए। जब आप कैमरे के सामने हों तो अपने रोल में रह के जितना खूबसूरत अच्छा करना चाहें उससे बेहतर करने की कोशिश करें। और फिर सीनियर का मतलब ये नहीं, सीनियर जो आपसे पहले काम कर रहा है वो सीनियर है, उसका एहतराम लाजमी है। लेकिन जहाँ पर सीनियर ने छोड़ा है, जहाँ हम छोड़ रहे हैं, जहाँ आपने देखा हमने भी तगड़ों की होगी और फिर जो कुछ हमने हासिल किया वो आपने देखा, आप वहाँ से शुरू कर रहे हो जहाँ से हम ख़त्म करने की जगह पर आए थे। तो आप हमसे जीनियस भी हो, आप हमसे टैलेंटेड भी हो, आपको ज़्यादा पता भी है सारी चीज़ों का। फिर आजकल जो लेटेस्ट जो इक्विपमेंट आ गए हैं स्पेशली जी, वो उनसे हमको अवेयरनेस करने में थोड़ा टाइम लगता है। आपके वक्त की चीज़ है, आप दो मिनट में उसको और फिर आप पढ़ लिख के फ़ौरन उसको कैप्चर कर लेते हो, कंसीव कर लेते हो, देख लेते हो, सीख लेते हो, ऑपरेट कर लेते हो। लेकिन ये कि तरबियत बहुत ज़रूरी है, ये एक समुंदर ऐसे नहीं कहते इसको, ड्रामा सेंस। अब मेरी बदनसीबी ये है कि मैं मैसेज के लिए कहा जा रहा है, मैसेज तो हर कोई देता है और वो बुरा लग रहा होता है। मसला ये है कि ड्रामा अगर है, ड्रामा एक अलग फील्ड है, मॉडलिंग एक अलग काम है, रेडियो सदाकारी एक अलग चीज़ है और थिएटर एक अलग चीज़ है। जिस तरीके से नज़म अलग होती है, गज़ल अलग होती है, मर्सिया अलग होता है, तो आप उसमें रह के उसकी बहर के हिसाब से आप गुफ्तगु या बात करते हो। तो अच्छा आर्टिस्ट वो है जो जिस मीडियम पे काम कर रहा है, जिस मीडिया पे काम कर रहा है, उसको वो उस तरह से हक अदा कर दे। फिल्म इज डिफरेंट थिंग, टेलीविजन एक अलग चीज़ है, मॉडलिंग एक अलग चीज़ है, मगर ये अब आपस में फंबल हो गया है, बीच बीच हो गई है सारी, तो कुछ नहीं पता चल रहा होता कि ये ड्रामा चल रहा है, फिल्म चल रही है या वो चल रहा है। लिहाजा उसकी वजह ये है कि हम बाकी दुनिया से थोड़ा सा हम फिर महसूस करते हैं कि यार अभी हमें ज़रूरत है और मेहनत कर लेंगे। तो मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि जिस चीज़ में आप काम कर रहे हैं वो क्या होती है, उसकी क्या पिच होती है, उसका क्या बैकग्राउंड है, वो थोड़ा सा ज़रूर आप समझ के फिर कैमरे के सामने आए। वैसे तो आजकल आप जिसके सामने कैमरा रख दें okay. और जिसके सामने माइक रख दें वो छीन छीन के बात कर रहा होता है। लेकिन ये लाइव शो में तो ठीक है, हाँ ठीक है, लेकिन ड्रामे के लिए जो है आपको कुछ ना कुछ बैकग्राउंड जो है समझना, सोचना, देखना पड़ेगा। डायलॉग के साथ किस तरह खेलना है, फिर फेस एक्सप्रेशन क्या है, फिर क्या कहते हैं बॉडी लैंग्वेज किसे कहते हैं, फिर उसके बाद फुट वर्किंग किसे कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब समझ में आ जाती हैं तो फिर आपका काम आसान हो जाता है और आप ज़्यादा खूबसूरत लगने लगते हैं। मैंने भी हुआ है कि जो जो लोग, जो बच्चे बच्चियाँ, जो लोग नए लोग आ रहे हैं वो आए, अब उनका वक्त है और हर नया जो है वो पुराने को हटाने के लिए आता है। तो आपका वक्त है, आपका दौर है, आप आए हैं, लेकिन जो हमारी रवायात हैं, जो हमारा कल्चर है, जो हमारी सकाफत है, उसका बहुत ख्याल रखें। अल्लाह आप सबको कामयाब करें, मेरी दुआएं आपके साथ। आमीन आमीन। बहुत अच्छी बातें की हैं उत्कर्ष भाई आपने। यकीन कीजिएगा कि शायद मैं भी काफ़ी अर्से से काम कर रहा हूँ लेकिन एक दफ़ा फिर मैं ताज़ा हो गया इस बात में कि आज ये काम मुझ में भी होना चाहिए। पर असल में पता है क्या चक्कर है, मैंने जहाँ से काम सीखा है अभी भी सीख ही नहीं है, सीखने का मरहला ख़त्म ही नहीं हो रहा। जब तक हैं दुनिया में सीखता ही रहूँगा, मुझे पता है हर दिन
हर एक लाइन मेरे लिए नहीं होती है। मैं सोच रहा था कि यार इसको कैसे भूलूँ, इसको कैसे याद रखूँ, कैसे भूलूँ, क्या करूँ, क्या जज्बा। यकीन कीजिए आजकल के लड़कों में मैंने जिनसे मैंने सीखा है वो जब सेट पे होते थे यहाँ स्टेज तो वो रोज तारी करके ना वो 3 घंटे उसी में वो रहते। उससे वो अगर फकीर है तो वो फकीर में गुस्सा हुआ है, वो उससे बाहर 3 घंटे ही नहीं करता था। जब पब्लिक निकलती थी उसके बाद वो फिर अपने रोल से कहता था हाँ भैया रघु चीज़। अब वो चीज़ नहीं गई, मैंने किसी सेट पे ऐसे नहीं देखा कि कोई फनकार जो जितने यंगस्टर हैं कोई अपने रोल में घुस कर तकरीबन 6 घंटे बैठा हो सेट। वो नहीं, वो एक सीन देकर आती है तो जो मूड होता है सीन का उसमें से वैसे ही निकल जाते हैं। क्या मैं गलत तो नहीं था? नहीं आप सही कह रहे हैं, मैं डर गया था ये सोच के मैंने कहा शायद मैं आपका इंटरव्यू तो इसलिए मैं जरा से लगभग घबरा गया। आपने जो भी कहा बहुत अच्छा सर पे ऐसी बात नहीं है, आप आगे जीरो से भी नीचे नहीं नहीं क्योंकि नीचे हमने आपको देख कर काम सीखा ना सर, तो कोई और चीज़ सीख लेनी, कोई और चीज़ देख लेते कोई और अच्छा मुझे पता नहीं आप और करेंगे बहुत अच्छा आर्टिस्ट है और इससे हमारी सिटकॉम में बड़ा अच्छा रोल कर रहे हैं। ये तो सारी मैंने इसलिए कहा कि मैं सही है असल में मेरा ये चैनल बनाया हुआ जी सजात प्लस टीम के नाम। आपके चैनल की तरक्की दे दिन रात, आपको तरक्की दे लोगों की रात, आप उसके इतने लाख और आपका सर शुक्रिया, थैंक यू, आपने अपना कीमती टाइम निकाला। मुझे पता है कैसे मैं आपको वहाँ से लेकर आया, यकीन कीजिएगा मैंने बड़ी तो इनकी मोहब्बत है कि ये यहाँ पे आए हैं और मुझे अच्छा लगा है। मैं अपने बच्चों को मुखातिब हुआ हूँ, अपने व्यूअर्स को मुखातिब हुआ हूँ, मेरे प्यार करने वाले जो हैं। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि ये सब कर्म मैं आकर के बात अब तक कर रही हूँ, तो वो तो कोई शक वही है परवरदिगार करके आप अभी भी आप देखते हैं और पसंद करते हैं। कोशिश हमेशा यही हुई है कि आपके लिए कोई अच्छी चीज़ कोई नई चीज़ लेकर आए। कभी कभी बोंगियाँ भी हो जाती हैं तो उसको ये माफ़ कर देते हैं आप, तो ये भी आपकी मेहरबानी। एक छोटी सी बात जरूर करूँगा कि मैं कुछ लोग हैं जो सीनियर्स अच्छा वैसे आप करते नहीं हैं चूँकि सर नहीं मैं कह रहा हूँ कि कुछ लोग हैं जो सीनियर्स का नहीं आते, लेकिन मैंने जहाँ से सीखा ना नहीं है अभी भी मैं कह रहा हूँ नहीं वो फनकार ही नहीं है ठीक है ना। तो फनकार मैं कहता हूँ मेरे उस्ताद ने कहा बेटा आज तुम किसी को मानोगे कल तुम्हें कुछ मानने वाले खिलाड़ी हो, क्योंकि आज का जूनियर जो है वो कल का सीनियर। अच्छा मेरी मानो तो बस आपका साथ बहुत बहुत शुक्रिया और आपके भी नेक तमन्नाएं और जो देख रहे हैं मेरी भी नेक तमन्नाएं लव यू, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह परवरदिगार मेरे पूरे मुल्क को और मुल्क के हर आदमी को हर गली कूचे को और हर घर को अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। फी अमान पाकिस्तान जिंदा जिंदाबाद। हाँ जी नाजरीन, अभी तो अमर ज़रियाब साहब जो राइटर थे सिटकॉम के वो साथ थे। अभी मेरे साथ थोड़ी सी परियें खूबसूरत सी लड़कियाँ, छोटी छोटी खूबसूरत लड़कियाँ मेरे साथ हैं। आइए देखिए ना मेरे चैनल पे आपको देखा जा रहा है सिजात प्लस टीवी पर। आप पीछे पीछे क्यों हो रहे हैं? आइए अभी आगे, आप तो मॉडल हैं, आपको तो चलने का बहुत शौक है, ऐसे ऐसे करके तो जरा चैनल के लिए भी चलिए। पहले सबसे पहले अपना नाम बताएं। कशिश है तो मैं खींचा चला आ रहा था ना, इतनी कशिश है। और आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम लीजे है। लीजे लीजे बहुत अच्छी आर्टिस्ट बनने वाली है, गणेश भी बहुत अच्छी आर्टिस्ट बनी है और ये इनकी मदर मदर दिस इज मामा मामा दिस इज द बे बे दिस इज द अमी मौसम के ये 3-4 नाम होते हैं, ये साथ साथ ही नाम होते हैं। तो आज किस सिलसिले में आदर हो रहे हैं यहाँ पे? हम लोग आज ड्रामे के सिलसिले में यहाँ पे आए हैं तो टीवी का ड्रामा है और जिसके डायरेक्टर ओके और राइटर है अमर ज़रियाब साहब जनाब, और मैं भी इसी टीम का हिस्सा हूँ, मैं भी इनको लेकर चल रहा हूँ, ये मुझे लेकर चल रहे हैं, ये इसलिए मुझे लेकर चलते हैं कि देखना जामा तो
हमारी जो है आपके साथ है, गांव के साथ हैं, दिन दुगनी रात दुगनी आप तरक्की करें, आपको देखेंगे हम स्क्रीन पर, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है ना। तो कशिश के लिए मेरी भी दुआएं हैं, आप भी दुआ करें, और कशिश आप भी मिजाज प्लस टी वी देखा करें, आप भी अलीजे देखा करें, और आप भी मदर डे आंटी ठीक है। तो ये आपने जरूर देखा प्लस टीवी, अपना ख्याल रखिएगा, मेरी दुआएं आपके साथ है, अल्लाह पाक आपको बहुत तरक्की से नवाजे, थैंक यू। हाँ तो जी आइए हम बातें, बहुत सारी खूबसूरत फनकारा के नाम, बहुत जल्दी आ रही है बहुत तरक्की भी करने आ रही है। कैसी है शमसा? शमसा मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं सजा प्लस के, आपको आप बताइएगा कि आज किस सिलसिले में रावण की आठ ड्रामा टेलीविजन का था। अच्छा जी टेलीविजन का ड्रामा है, ये दूसरी बात है, बहुत कर रही है, अच्छा कर रही है, अच्छा कर रही है। चलिए जी पूछ रहे हैं ये शमसा जी, हमारी बहुत खूबसूरत आर्टिस्ट है, बहुत जल्द बड़ा नाम कमाने वाली है, अपना यूट्यूब में बहुत नाम बनाएगी, क्योंकि काम को ये बहुत अच्छे से संजीदा तरीके से काम कर रही है, बड़ा अच्छा काम कर रही है, हमारी भी हमारी के साथ मुझे ये बहुत जल्द सुपर स्टार हो जाएंगे। चलिए मिलती है अगले प्रकार से। Yes. तो नाजरीन अभी आपने शमसा से बात की और अभी आप बात करेंगे अली से, जो टिकटॉक में जो बहुत मशहूर शख्सियत है, जहाँ भी चली जाती है लाइनें लग जाती हैं, गाड़ियाँ रोकते हैं, गाड़ियाँ आपस में दुम दुम बजती हैं, ये दुआ आ गई, दुआ अली आ गई, इतनी टिकटॉक में मशहूर है। तो सजात प्लस पे पहली कब आई है? नहीं पहले भी आई है इस सजात प्लस चैनल पर। तो कैसे हैं आप दोस्त? अच्छा मुझे बताएंगे आज किस सिलसिले में यहाँ पे बैठ चुके हैं? लेकिन मैं आपसे ज्यादा क्यों नहीं हूँ, पता है आप भी तो मैं बच्चा हूँ, मुझे तो पता ही क्यों नहीं कर रहे हैं। हाँ जूनियर हूँ भाई, मैं बहुत जूनियर हूँ, मैं परसों आया हूँ इधर, यकीन करें कितने सालों बाद, 32 साल बाद परसों आया हूँ, तो मैं जूनियर हूँ ना आपके लिए। तो बेस्ट ऑफ लक, ये टेलीविजन का जो ड्रामा है आज जिस सिलसिले में आपको सिटकॉम कॉलम बन रहा है, कॉमेडी ये सीरीज होती है, जैसे सिटकॉम कहते हैं शो भी कहते हैं, तो उसी की ओपनिंग पे ये सारे फनकार इकट्ठे हैं, मैं भी यहीं पे फनकारों में घूम मिल रहा हूँ, पूछ रहा हूँ कि क्या कैसे हो, ज़रा ये बड़ा अच्छा मौका होता है कि सारे फनकार आपस में गपशप लगा लेते हैं। तो थैंक यू दुआ जी। और टिकटॉक का क्या बना? नहीं टिकटॉक का खुलेगा, देख लीजिए खुले ना, गोलजन बन रहे खुलेगा, मैंने तो रात को खोल लिया था, हाँ जी ये एक साइड ऐसी इन्होंने दी हुई है, यकीन करें जो चीज़ बंद होती है वो खुल जाती है, खुश रहो आबाद रहो, तो नूर को मेरा सलाम कहना कि सजात प्लस पे देखिए, थैंक यू जी। तो नाजरीन आपने पहले मेरा ख्याल है कि वो क्या नाम है कशिश को देखा, मेरी व्यूअर्स ने देखा है, सब फनकारों को देखा है, आप लेट क्यों आइए मैं तो ये तो ऐसे मेरे से ज़्यादा खूबसूरत तो लग रही है, मैं क्या हूँ? तो फिर ये मुझे थोड़ा सा मेरा भी खराब पड़ रहा है, तो आप खूबसूरत लग रहे हैं, मनोज किस सिलसिले में आता है? सब ओके, बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छी, यानी कि बहुत जल्दी है मेरे ख्याल में, है ना, इसको घर जाने की नाजरी बहुत जल्दी होती है, यकीन कर जल्दी सबको क्या मतलब, मुझे तो नहीं जल्दी, मैं तो रात इधर ही रहूँगा 8 घंटे से, आप रह ले हमें जाने। बहुत अच्छी हमारी मानूर आर्टिस्ट है और बहुत अच्छा काम कर रही है, और हमारी दुआएं इनके साथ है कि ये बहुत अच्छा काम करके हमें भी दिखाएं सिटकॉम में, जो ये रहीम खान साहब बना रहे हैं, उनका नया नया दर्शन, बहुत बहुत सीनियर हमारे फनकार जो हैं वो आपके जेरे साया, उनके जेरे साया आप भी काम कर रहे हैं, ठीक है ना, तो कोशिश कीजिएगा अच्छा काम कीजिएगा, ठीक है। और मैं मुझे अब दोबारा नहीं कहना मेरे पास टाइम नहीं है, मैं थकी हुई हूँ, मेरा मूड नहीं है, ये ना कहना। चले नाजरीन दूसरे फनकार से बात करते हैं जी। तो नाजरीन आपने ये देखा जितनी गहमा गहमी जितने फनकार आए हुए हैं, ये मेरे बहुत मोस्ट सीनियर फनकार तो नहीं आए,
तो नहीं, उनकी जगह ये ए रहीम खान साहब हैं जिन्हें अल मारूफ रहीम जानी के नाम से भी जाना जाता रहा। उनके लिए इस्लामाबाद में बहुत काम किया। सिर्फ इनका छोटा सा तारफ जरूर करवाऊंगा, फिर इनसे बातचीत करते हैं कि आज का जो माहौल था ये किस सिलसिले में था। रावलपिंडी इस्लामाबाद में सबसे पहला पटवारी ड्रामा जो हुआ जिसका नाम था मुंडा पटवा, और पटवारी काम करने का ये अवार्ड इनके पास है। ये समझने के बानिए, स्टेट ड्रामे के बानिए पटवार हैं जिन्होंने बहुत खूबसूरत एक ड्रामा दिया मुंडा पटवार का। और यकीन कीजिएगा कि मैं जब उस वक्त लाहौर था, लाहौर ही मेरे घर में, तो मुझे वहाँ पर रिपोर्ट आई कि भाई आपके दोस्त ने, क्योंकि लोग मुझे समझते थे इनका दोस्त, चले दोस्त तो मैं दुश्मन हूँ, लेकिन लोग समझते कि ये दोस्त है। तो लोगों ने मुझे बताया कि यार आपका भाई जो है दोस्त है वो तो ड्रामा कर रहा है, बहुत अच्छा गया। मैंने वहाँ से भी दुआ की कि अल्लाह पाक और उन्हें तरक्की दे। तो जनाब आज इस सिलसिले में हम रावलपिंडी आर्ट काउंसिल आए हैं, ये जो आपने सिटकॉम वगैरह का सिस्टम खोला हुआ है, सारे फनकारों को देख लिया है मैं, सब लोगों ने, तो ये क्या सिलसिला है भाई? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, सुनने वालों को खास करके सलाम करो। बड़ी देर बाद कैमरे के सामने आ रहा हूँ सज्जाद साहब, क्योंकि बड़ा आते ही पिंडी में ये फर्स्ट टाइम मेरे साथ आया था सज्जाद, तो मैं काम करो, और ये शक्ल सिर्फ आर्ट की थी और किसी काम में आ नहीं सकती थी, ये तो दूर में डाल दूंगे कहीं और में, तो मैं ये फनकार ही लग रहे हो। और हकीकत के से बताया कि मैं फनकार हूँ और बहुत बड़ा फनकार है, इसलिए ये ना कहना है कि बहुत बड़ा, इसका मतलब कहीं और भी जाता है नहीं, इसलिए फनकार है कि असल में फनकारों में रहकर अपने आप को अलग थलग सेट बनाकर काम करना ये बड़ी बात थी सज्जाद की, और इसने ऐसा ही दिखाया। और प्रोडक्शंस की ड्रामा किया, इसने बताया कि मैं लाहौर से आया हूँ बेशक सीनियर लोगों के साथ, लेकिन यहाँ भी इसने आके अपना आप अलग से एक दुनिया बनाई। अल्लाह इसको कामयाब करे। आपकी मांगते हैं मुझे सिर्फ ये बता दें आज जिस सिलसिले में इकट्ठे हुए हैं फनकार सारे, ये क्या सिलसिला? ऐसा सिलसिला है जी कि हम लोगों ने सज्जाद को पता कि इस दौर चल रहा है पटवारी भी हमने लिया पटवारी को, क्योंकि कुछ बेकार लोगों ने इसको बेकार कर दिया काम को, कोई भी काम जो बहुत ज़्यादा होना शुरू होता ख़राब कर देते हैं। मैंने कोशिश की कि उर्दू काम जो हम लोग बंद हुआ पिंडी वाले इतने टैलेंटेड लोग हैं, इतने काम करने वाले लोग हैं, हम लोग कोई भी अपना काम नहीं देते टी वी को, भाई हमने ये उर्दू किया है, हमारे पे छाप लगे हुए पटवारी हैं, टेढ़ी टेढ़ी इनके पास बंदे हैं, मुँह में हमने कहा चलो यार हम भी मार्केट में काम डालने की कोशिश करते हैं। बड़ी अच्छी बात तो बड़ी अच्छी बात है ना, गफ्फार टीम नहीं नहीं मैं ये वो अल्लाह माफ करे अल्लाह माफ करे, बड़ी अच्छी बात याद आ गई कि जब पटवारी ड्रामा चलते थे फोन कॉल करते थे मुझे इंग्लैंड से, तो मुझे अक्सर कहते थे कि यार क्या मिस्टर राजे जी ने वो सिर्फ बाड़ियाँ जी फिरने रहने यार, वो पेंट कोट नहीं पहनते, कहते हैं हमारे मिनिस्टर जो लगे हुए हैं उनके आप सब्जेक्ट क्यों नहीं देते, इस वजह से थोड़ा सा पटवार हमारा अभी भी कितने भी काम कर रहे हैं, मैं मुखालफत किसी की नहीं कर रहा, चल रहा है काम सबका रिजल्ट है, मुझे भी शायद कॉल आए मैं फिर कल बाड़ी में कर रहा ऐसा हुआ, वो वही हुआ कि आसान काम पड़ गया था लोगों को पटवारी शॉर्टकट पड़ गया था, फिर जैसे टिकटॉक अब चल पड़ा लोग आसान हो गया, नहीं वो आसान था, हर बंदे के अंदर एक फन है, हर बंदे के अंदर फनकार छुपा हुआ जो चाहता है मेरा बाहर है, हर अंदर का फन निकालना चाहता है, तो एक शुभ था उर्दू काम करने का। ये सज्जाद साहब कि अल्लाह करे पिंडी से अच्छे जो आर्टिस्ट हैं जो काम करने वाले लोग हैं वो निकल के अंदर वो भी मार्केट में है। हमारा मकसद ये था कि उर्दू काम को हम अच्छी तरह करते हैं, अभी तक हम कर रहे हैं सारे वो लेके मार्केट में, मकसद ही और अल्लाह करे हमारी जो टीम बनाई हुई है जो नजर साहब है सीनियर भी कर, तो हमें सीनियर दो चार चाहिए हमें, तो जूनियर भी काम को देखा जाता है, सबसे बड़ी बात है काम कैसा है, लोग आजकल शक्लें देख रहे हैं भूल गए हमें कि फलाना आर्टिस्ट आजकल तो लोग काम देख रहे हैं, तो दुआ है अल्लाह से कि हम लोग जिस काम में पड़े, और सुनने वाले आप लोगों से भी है हमारी खास दुआ कीजिएगा पिंडी वाले जो नए काम करने की कोशिश करें, अल्लाह तो नए काम तो क्या ड्रामा वाले से भी कहते हैं किड़े कंजरा ने कम इस पे हो, लेकिन हकीकत बात है कि मैसेज होता है जो किसी ड्रामे के हवाले से किसी भी दौर में इंसान पब्लिक तक जाना होता है, तो ये फनकारों पे पड़ा हुआ है चाहे किसी भी शोबे से लेके जा रहे हो, लेकिन हकीकतन बात है इस काम को तमीज़ की और इज्जत के साथ किया जाए तो मेरे ख्याल में हर जगह पे अल्लाह के आगे भी इज्जत है, दुनिया लोगों के आगे भी इज्जत। बिल्कुल ऐसे ही है, देखिए मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि सर आता है ना आपके पास जी, तो ये ज़रूर सोच के हुआ उसके आपने किया है कि अल्लाह पाक से काम याद करें क्या, ताकि और भी प्रोड्यूसर है, क्योंकि एक प्रोड्यूसर से कम जो है ना, अभी हम सिर्फ कॉम भी जो आप शुरू करते हैं तो कम 40 घरों का चूल्हा जलेगा। बिल्कुल
सबका यार उसके लिए आप क्यों नहीं बन रहे जो वसीला बना, देने वाली अलग ही ज़्यादा, लेकिन इंसान ही वसीला है, ऐसे ही वसीले बनते हैं। मैं भी यहीं से रिजल्ट लेकर जाता हूँ बच्चों के लिए, आप भी लेकर जाते रहे हैं। अब आपने काम थोड़ा सा चेंज किया, वैसे इतने अरसे बाद आप कहाँ थे, वैसे किधर घूम किधर थे, सही बात ये पूछना चाह रहे थे किधर थे। सही बात ये मतलब कि ये सारे ही जानते हैं आर्ट फील्ड में, तो आर्ट फील्ड को क्या है, क्या बोलना है, काम कितने गिनती के जो लोग हैं जो पैसे कमाने वाले हैं, बाकी अपने काम है जिनसे करते हैं, अल्लाह ताला ने दिगर काम किए हैं अपने, पैसे बकरियां रखी हुई हैं तो काम चल रहे हैं, बकाया ये काम तो हमारा शौक है, जुनून से करते हैं पैसे के लिए। यानी आपका दिमाग में जो गोबर शोबर तो नहीं है ना, नहीं काम ठीक वाले से करेंगे ना दबाव से। आपने देखे ना गायें पैसे बकरी हैं, तो ये मैं कह रहा हूँ जेन तो आपका ठीक है ना, बहुत अरसे से वैसे ही मैं गंद नहीं था। अच्छा तो मेरे से तो आता है ना, तो मेरे से क्यों आते लगा वैसे ही ना, तो फील्ड में लोग तो बहुत अच्छा भी काम हो रहा है, गंदा भी काम हो रहा है। हाँ जी हाँ, तो कोशिश करें अच्छा करने की, अल्लाह पाक आपको तफ़ीक दे कि आप अच्छे काम करें, उससे काम बनाते रहें। मतलब बड़े अच्छे फनकार हैं, पता नहीं कहाँ गए हैं वो लोग, आप भी फनकार हैं क्या? फनकारों में ही कहा जा सकता है, अगर मेरे ख्याल में अगर हम मर गए तो लोग यार एक फनकार था बस, ये तो नाम आ जाएगा बताया क्या। अच्छा कैसी बात है, हमारी फील्ड में से बंदा जैसे आउट होता है ना, तो फिर बाद में कहते हैं यार फनकार सी बड़ा था, पता नहीं किधर चला गया यार, एक तस्वीर लग जाती है कभी यार ये इस पहले क्यों नहीं इज्जत मिलती, पहले क्यों नहीं हमारा नाम होता, इंडिया जिंदा होते ना हम लोग मुनाफक होते हैं, ये जो हमारा मुल्क है सात बार हम छाया, हम उसे बुरा भी कहते हैं, लेकिन एक बात फील के हवाले से कहूँगा कि वो बहुत अच्छी है कि अपने फनकार को वो जिंदा रखते हैं। असल में वहाँ हमारे जो जितने भी सीनियर्स हैं या मीडिया जितने हैं या जो जितने भी प्रोड्यूसर ये ड्रामे बना रहे, हमारे फनकार आज भी बहुत सारे अच्छे अच्छे गुलाम मुजुद्दीन सर का नज़र ही नहीं आते हैं, इतना बड़ा आज की किसी फनकार का मुँह भी नहीं है ना। नहीं मूड, ये मूड की बात होती है, मुँह की बात नहीं होती, आपका मूड मेरा रखना ठीक है, जोरी सा मूड बना होगा आपका, इस बात में मेरा मूड ना बन जाए। नहीं ऐसी बात नहीं कि देखो हर एक स्क्रीन के लिए एक वक्त पे एक मूड था जो हिट हुआ, सुल्तान राय साहब बात करते थे, कल सुप्रेन साहब कहते सुल्तान राय से बात करते थे, मुंह के वो दांत निकाल के बाहर ले आते थे, कहते यार चुप आज का हीरो है, कहते वो भी हीरो थे, कहना कि काम बंदा जो करने वाला है ना वो हीरो है। आज हॉलीवुड में चले जाओ हीरो नहीं देखते, काम देख रहे हैं, कुत्ते से काम ले लेते हैं, सही बिल्ली से काम ले लेते हैं। मैं बात कर रहा हूँ कि काम करने वाला किसी से भी ले सकता, फनकार डायरेक्टर हो, काम करने का पब्लिक क्योंकि चाहती है एंटरटेनमेंट, पब्लिक चाहती है स्क्रीन पे भी है, सुधा हर बंदे के पास मोबाइल अकाउंट भी हर बंदा कर रहा है, जो जिम्मेदार है ना इस काम के जो लोग आए हैं जिनमें ठेके लिए हम करेंगे, ये उन लोगों की जिम्मेदारी है कि पब्लिक की जिम्मेदारी लो भाई। नहीं वो ऐसा नहीं कर सकते, इतनी फारिग नहीं है जो जिम्मेदारियाँ आप ही लेते हैं, मेले गर्म गर्म मेले तो नहीं बैठेंगे ना यार, आप लोगों के लिए उन्हें काम नहीं करना है, जो वो काम कर रहे हैं ना हाँ उसकी वजह से काम हमसे दूर हो रहा है, फैमिली काम करें, हाँ फैमिली को लेके ये हम और फैमिली को ड्रामे लोगों को बड़ी असर स्टार को देखने जाता है, स्टार कहाँ तक पहुँचता, पहुँच ही नहीं पड़ती स्टारों तक पहुँचने, नहीं स्टार में होता नहीं पहुँच पाती, आज स्टार जो लोग हैं वो इतने नज़दीक हो गए बंदों के, उसकी वो हैसियत तो मुकाम थोड़ा सा पहले से थोड़ा सा कम हो गया है, अब वो हैसियत नहीं, अब हम लोगों को सही तौर पर जो फनकार है, क्योंकि हर घर बंदा हर घर में फनकार है, वीडियो पड़ी हुई है मोबाइल, हर बंदा फिल्म बना रहा है, लेकिन जो इस काम वाले जो ठेकेदार थे ना जिस काम पे जिन्होंने बहुत मुद्दते जो वक्त बर्बाद किए हुए, असल उन पर जिम्मेदारी है कि काम को अब आप बताओ कि काम क्या है, अब अगर काम को गलत करोगे तो बच्चा घर घर में डायरेक्टर बैठा है। मैंने सुना आप बहुत बातें करते हैं, आप मुझे ये बताएं कि आप पैदा कहाँ और क्यों और किस वजह से? हाँ पैदा एक चीज होने की वजह सिर्फ यही है कि जी दुनिया में बंदे को अपना आप भी देखना है, दूसरों को भी देखना है कि तू क्या, और दुनिया से बच के निकल जाए, दुनिया से पहले की बात। पैदा मैं कश्मीर में हुआ हूँ जी, और कश्मीर से मेरा तल्लक है, और पिंडी में आया हूँ, पिंडी के वो पटवारी लाहौर में चला गया, तो सारी पंजाबी पटवारी कश्मीरी जबानें में वो आपने कॉल के पी हुई, कॉल के पी ली थी। और यार आपका वो एक मैं सुनता था रेडियो पे चाचा जानी अस्तफा क्या जी आप कहना सुनते थे, आप सुनते थे वो किधर है चाचा जानी? चाचा जानी जी वो एक तो ख्याल है, एक सोच है, वो रेडियो के लिए है, वो रेडियो एक करेक्टर है, वो
मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा, मेरे बहुत सारे लोग जानने वाले। अच्छा, इसका चाचा जाने के साथ क्या क्या कज़न क्या है? तो चाचा जाने का रोल है, रेडियो का रोल है, वो जब सुनेंगे जिनको पता उनको पता था, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है, आप चाचा जानी को मैं भी नहीं जानता, ये भी नहीं जानते, आप जानते हैं सिर्फ कौन है चाचा जानी, कहाँ है चाचा जानी, कहाँ भटक रहा होगा राहों में। तो अल्लाह पाक आपके इस काम को कामयाब करे, हमारी ऐसी बरसात भी दुआ कीजिएगा कि ये जो काम छोटा सा शुरू हुआ, मैं हमेशा अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि या अल्लाह ये मैंने छोटा सा एक काम शुरू किया है तो इसको बड़ा कर, तो आपकी दुआओं से इंशाल्लाह ये छोटा सा काम बड़ा हो जाएगा। तो देखते रहिए सज्जाद प्लस टीवी। अल्लाह जी नाजरीन, तो अभी आप दुआ भी हमारे साथ थे, अभी हमारे पास राइटर लिखारी क्या कहते हैं मुसन्निफ और क्या कहते हैं, बहुत कुछ कहा जाता है इस नाम के मुतल्लिक, यकीन कीजिएगा राइटर भी पढ़ा है और मुसन्निफ भी पढ़ते हैं और तहरीर भी पढ़ते हैं। तो हमारे साथ हैं इस टाइम जनाब अमर जरिया साहब। अमर जरिया साहब कैसे हैं, किस सिलसिले में हाजिर हुए हैं यार? ये जी मैं हाजिर हुए यार, चले ठीक हो गया दोस्तों में यही होता है, दर निक नेम जो होता है वो ये मुझे कभी भी लामा से हटा नहीं सकते, यकीन करें इन्होंने मेरी इतनी इतनी दाढ़ी देखी होती है। आप कह रहे हैं आपको 28 साल पुराना मैं वक्त याद करवा दूंगा जब पैदल हम चढ़ रहे होते थे चढ़ाई में। ठीक है, ये मोहब्बत है इनकी रहीम भाई की और सजाद भाई की, इन्होंने मुझे अपनी टीम का हिस्सा बनाया है। कहानी बहुत शानदार है, बहुत अच्छी है, मुझे लिखने में भी बहुत मज़ा आ रहा है। इंशाल्लाह कहानी मैं डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा, ये आप स्क्रीन पे देखेंगे आपको मज़ा आएगा, बहुत ही अच्छी कॉमेडी, बहुत ही प्यारी कॉमेडी आपको देखने में मिलेगी। और थैंक यू सो मच एक बार फिर, थैंक यू, बहुत मज़े का लिख रहे हैं, बहुत बहुत अच्छे जुमले लिख रहे हैं, इंशाल्लाह ये सच कहूँ बहुत दुनिया देखेगी, क्योंकि मेरे भाई ने लिखा है और बड़े प्यार से लिख रहे हैं। आपको तरक्की देगा, देखते रहिए लेकिन सजाद प्लस प्लस देखते रहिए। थैंक यू जी नाजरीन, जैसे कि सब फनकारों के साथ हम कुछ स्पीच कर रहे हैं आज के माहौल के हिसाब से, क्योंकि हमारे यहाँ से काम शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे बड़े प्यारे फनकार इस्लामाबाद के अशरफ खान साहब भी हमारे साथ हैं, इनसे भी पूछते हैं कि आज किस वजह से यहाँ पे इकट्ठे हुए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा भाई कैसे हैं? मैं ठीक ठाक शुक्रगुजार। अच्छा भाई उसको बताना पसंद करेंगे कि आज किस सिलसिले में हम आपको सब फनकार वगैरह देख भी चुके हैं, किस सिलसिले में आए? जी आज एक सेट काम शुरू हो रहा है तो उसका गेट टुगेदर था। अच्छा, इसके जो राइटर है अमर जरियाफ साहब है, इसके डायरेक्टर है कैली साहब है, और एक बहुत अच्छा सेट काम शुरू हो रहा है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि हमारे रावलपिंडी के हमारे लेजेंड आर्टिस्ट हैं जुकन हैदर साहब, वाह, तो वो भी इसमें शामिल हैं, तो हमें खुशी उनसे मुलाकात हुई, बहुत सारे आर्टिस्टों से हमने गपशप लगाई। तो आपने ये सेट काम ज़रूर देखना है और इसको अप्रिशिएट करना है। थैंक यू वेरी मच। आपका भी थैंक यू जी, आपने टाइम दिया सज्जाद प्लस टी वी के लिए, तो खुश रहें, बात रहे और देखते रहे सज्जाद प्लस टी वी। अल्लाह हाफिज़।